हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके बीजेएनई पीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी सर्वे, यूपी का जो बजट है वो, और साथ में सेंट्रल का जो बजट है उसके बाद में जो इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट डाटा हैं उनको भी मैं इसमें वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पीडीएफ होगी मैं आपको सारी वीडियो इसी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो चाहे करंट अफेयर्स की हो या बाकी, और वीडियो का सारे लिंक वगैरह जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। साथ में कल से स्टार्ट होने वाली हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 5 टेस्ट हैं, दोनों लैंग्वेज में ये टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी मेरे करीब 20 से 22 कोर्सेज वहाँ पे हैं, आप जाके सभी में एनरोल कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ में एंशेंट हिस्ट्री और पॉलिटी के भी कोर्स मैंने कवर करा रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक तथ्य जो हमारा चैप्टर, इसमें देखते हैं कि जो बजट है हमारा सेंट्रल का 2018-19 का, उसके हिसाब से हमारी जो इकॉनमी हो गई है वो हो गई 2.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, जो वर्ल्ड में 7th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब दुनिया का 7वां अजूबा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को। वर्तमान की जो स्थिति, अगर हम घाटों को लेके देखें तो राजस्व घाटा हमारा जो है वो 2.2 है। ये 18-19 का अनुमान तो मैं बता रहा हूँ आपको, वर्तमान में यही है और यही जो है पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस इसी की है ज़्यादा। तो 2.2%, और साथ में राजकोषीय घाटा जो है 3.3%। उसके बाद में जो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा है वो 1.2% है, और प्राथमिक घाटा जो है वो 0.3% है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल के बजट के हिसाब से कि पैसा आता कहाँ से है, तो मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट का। तो जीएसटी जो है नंबर 1 पे है, उसके बाद में निगम कर, उधार और आयकर। जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से जो है पैसा कहाँ से आया, क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना है। तो कई बार जो है आ सकता है, जैसे मैक्सिमम टाइम जो है कॉर्पोरेट टैक्स का ज़्यादा रहता था तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिए, जो जीएसटी है वो जो है नंबर 1 हो गया है, कॉर्पोरेट टैक्स दूसरा है, तीसरा है उधार, और चौथा है आयकर। उधार क्या, सरकार ने कहाँ से जो है उधारी वगैरह लिया है, उससे जो सॉरी यहाँ पे सरकार ने पैसा दिया है और वो लोग जो है ब्याज देते हैं। ठीक है, तो वो सब जो पैसा दे रखा है मार्केट में या वर्ल्ड किसी भी देश को या कहीं भी, तो उससे जो पैसा वापस मिलता है ये वो नहीं है जो ब्याज में दिया जाता है, ये वो पैसा है जो हमने किसी को दे रखा है और उससे होने वाली जो इनकम है वो हमारे पास एज ए मतलब ब्याज की तरह हमें मिलता है, तो वो सरकार का यहाँ पे है। साथ में जो पैसा जाता वाला जो है उसमें कर और शुल्क में, यहाँ पर कर और शुल्क में राज्य का जो हिस्सा होता है इम्पॉर्टेंट है, राज्यों का जो हिस्सा है, मान लीजिए जैसे जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो स्टेट की भी उसमें परसेंटेज होती है, तो वहाँ पर चला जाता है ये पैसा। ठीक है, क्योंकि दोनों को टैक्स मिलना होता है। साथ में ब्याज आता है कि अब यहाँ पर ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने क्या किया है कि जापान से पैसा लिया मेट्रो बनाने के लिए, ठीक है, या बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो जापान को जो पैसा जा रहा है वो जब इसके अंतर्गत ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ ब्याज अदायगी हो रही है, ब्याज दिया जा रहा है। साथ में केंद्रीय आयोजना पे, और चौथा नंबर है हमारा जो है डिफेंस पे हम पैसा खर्च करते हैं, तो डिफेंस बजट जो है वो हमारा चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद में अगर आयकर के बारे में जाने कि कितने पर जो है टैक्स देना हो रहा है, तो टैक्स लेब जो है इसमें बटा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो है ये जो है सारी संख्या वो लाख में दी हुई है, तो 0% लगेगा अगर आप जो है इनकम आपकी है सिर्फ 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और ये किससे किसके लिए है, ये 0 से 60 साल के लिए है, और 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख रुपए तक की छूट है, और जो है 80 से जो ऊपर है जो है वो उनकी जो है वो 5 लाख तक की छूट है। ठीक है, 5 लाख तक जो है उनको कोई भी टैक्स जो है नहीं देना। अब यहाँ 5% के अंदर में आ गए, तो यहाँ पर जो है 0 से 60 साल के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, और 60 साल से 80 साल के जो लोग हैं उनके लिए 3 से 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पर जो 5% है वो 80 साल वालों पे भी लागू नहीं है, बिल्कुल भी निल है ये। ठीक है, उनको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन वहीं पर अगर उनकी जो आय है वो 5 लाख से 10 लाख जो 0 से 60 वालों की होगी, तो उनके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच कमाएंगे आप तो 20% लगेगा आप पे, और अगर जो है यही सेम जो है वो 0 से 60, 60 से 80 और सबके लिए भी सेम है। ठीक है, ये इतना ही इनके ऊपर लगेगा। अगर 30% की बात आ जाए तो यहाँ पर जो है 10 लाख से ज़्यादा जिसका भी होगा वो जो है उसके ऊपर 30% लगेगा, वो चाहे उम्र उसकी हो 2 साल या उम्र उसकी हो 100 साल। ठीक है, कोई मतलब नहीं है उस पर, ये उतना ही लगेगा उसके ऊपर। 10 लाख रुपए से ज़्यादा जाएगा तो आपके ऊपर 30% लगेगा ही लगेगा। अब देखिए इसमें जाके ये सब क्यों किया गया, ज़्यादा के ऊपर क्यों है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर 10 लाख रुपए से आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनकी गवर्नमेंट सैलरी जो है वो
इतनी पहुंच जाए या उनकी पेंशन से जाके वो इतना सारा कमाने शुरू कर दें। ठीक है, जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई या तो ये जो है अंबानी होगा या जिम प्रेमजी होगा जो 60 साल से ऊपर जाके इतना पैसा कमा रहा है, यानी कि एक बड़ा बिजनेसमैन होगा। ठीक है, तो बिजनेसमैन के ऊपर तो भाई अमूमन लगना ही चाहिए 30%, तो यहाँ पर ये 30% इसलिए लगा दिया गया है, वो चाहे उम्र कोई सी भी हो 10 लाख से ऊपर जाने पर। इसमें एक फंडा और भी है कि अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर कमा रहे हैं तो आपके ऊपर 10% का सरचार्ज भी लगेगा, जिसमें आपके सरचार्ज पे 4% उपकर भी लगेगा, और वो लगेगा स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा भी पूछ सकते हैं कि कितना उपकर लगाया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, तो 4% का लगाया जाता है, जो कि हमारे पिछले बजट में जो हमारा बजट था 17-18 का, ये हमारा 18-19 का है, तो 17-18 वाले बजट में ये जो लगाया गया था वो लगाया गया था 3%, लेकिन इसको बढ़ा के अप कर दिया गया है इस साल 18-19 के बजट में 4%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आप 1 करोड़ से ऊपर अगर कमा रहे हैं तो आपके ऊपर 15% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम अपनी हेल्थ पे जो है जीडीपी का 1.4% जो है वर्तमान में खर्च करते हैं, और हमारा टारगेट है कि हम 2.5 लेके चले जाएं 2025 तक। तो 2025 से 2.5%, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड जो लेवल पर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी अपनी 5.4% जो है खर्च करती हैं अपनी जीडीपी का, तो इंडिया काफ़ी पीछे है अभी। यूपी का बजट अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए पिछली बार तो क्या हुआ आरओ के एग्ज़ाम में कि उसने संख्या ही पूछ ली कि कितने लाख करोड़ का बजट पास किया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जो है 428 तो याद रहा, बात का जो है 384 लोग सही नहीं कर पाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कहीं फिर से ना पूछ ली है। और डेट अगला इंपॉर्टेंट डेट भी आ सकती है, तो 16 फरवरी 2018 को पेश किया गया था और ये संख्या है। साथ में जो पिछले बजट से जो बढ़ा है वो बढ़ा है 11.4%। ठीक है, 11.4% अधिक है पिछले साल के मुकाबले। यूपी का राजकोषीय घाटा जो है 2.96% है, और ऋणग्रस्तता जो राज्य के ऊपर है वो है 29.8%। रुपया कहाँ से आता है? केंद्रीय जो कर होते हैं उनमें जो राज्य का हिस्सा है उसमें आता है 31.9%। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से मिलता है। उसके बाद हम जो स्टेट टैक्स लगाते हैं उससे पैसा मिलता है। उसके बाद केंद्र सरकार से भी जो कुछ फंड वगैरह मिलता है तो वो तीसरे नंबर पर आता है। पैसा जाता कहाँ है? अन्य राजस्व में राजस्व खर्च हो जाता है, पूंजीगत व्यय में चला जाता है, सरकारी कर्मचारियों पर खर्च हो जाता है, और सहायता प्राप्त जो संस्थान है उनको दिया जाता है। तो ये क्रम से है। उसके बाद आयात निर्यात के आंकड़े अगर दोस्तों हम देखें तो आयात में 2016-17, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से जो है निकल के आंकड़े इन्हीं के उपलब्ध हैं, तो ये क्वेश्चन 16-17 का ही पूछा जाएगा, ये एक्यूरेट आंकड़ा होता है। तो पेट्रोलियम जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से आयात किया गया। ठीक है, पेट्रोलियम जाहिर सी बात हम करते ही हैं। उसके बाद में पूंजीगत सामान आता है, तीसरे नंबर पे आता रत्न आभूषण, रसायन उत्पाद चौथे नंबर पे, और इलेक्ट्रॉन वस्तुएं हैं वो इंपॉर्टेंट हैं कि वो आती हैं पाँचवें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम निर्यात की देखें तो अभियंत्र की जो हैं वस्तुएं वो आती हैं नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे है रसायन उत्पाद, तीसरे नंबर पे है रत्न आभूषण, और कपड़ा उत्पाद जो है वो चौथे नंबर पे आता है। अब एक चीज़ देखेंगे कि चाहे हमारा आयात हो या निर्यात हो, दोनों में रत्न आभूषण जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। आपको याद रखना है कि पहले में पेट्रोलियम है और निर्यात में जो है अभियंत्र की वस्तुएँ हैं। अगर हम देखें हमारा व्यापार ऋणात्मक कहाँ है, तो चाइना के साथ में स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, इराक, ठीक है, ये चार देश हैं इनके साथ हमारा ऋणात्मक व्यापार है। और हमारा धनात्मक व्यापार किससे है? हमारा जो व्यापार है जिसमें हम जो है निर्यात ज़्यादा करते हैं उस देश से आयात हम कम करते हैं, तो वो जो है हमारा USA, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये ऐसे देश हैं जहाँ हमारा व्यापार जो है वो धनात्मक है। सर्वाधिक आयात हम कहाँ से करते हैं? चाइना से, स्विट्ज़रलैंड से, सऊदी अरब से, इराक से और दक्षिण कोरिया से। वो चार टॉप ऐसी कंट्रीज़ है जिनका हमारा व्यापार ऋणात्मक भी है और आयात भी हम जो है इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा करते हैं। सर्वाधिक निर्यात जो है वो हम करते हैं USA, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा जो धनात्मक है उसका क्रम ये दिया हुआ है। उसके बाद में अगर देखें व्यापार घाटे की बात करें तो हमारे साथ चाइना का जो हमारा जो घाटा है चाइना के साथ में वो है $51 बिलियन जो है माइनस है हमारा, और हमारा जो व्यापार फ़ायदा है यूएसए के साथ में वो सिर्फ $19 बिलियन का है। ठीक है,
उसके बाद देखें तो चमन परियोजना जो है बागवानी से संबंधित है, ये पूछा सकता है। तो नीति आयोग ने 2030 तक जो है कुपोषण को ख़त्म करने का टारगेट बनाया है, तो ये टारगेट के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए अमरेला योजना कई जगह जैसे टीकाकरण में आया है, उसके बाद में स्वास्थ्य में भी आया, अब सड़क परियोजना में भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद कृषि में भी अमरेला परियोजना है, तो यहाँ पर अमरेला का जो योजना है वो आंगनबाड़ी सेवा अवयस्क लड़कियों जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष हो उनके पोषाहार से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी पूछा सकता है कि अमरेला योजना का संबंध किससे है, अवयस्क लड़कियों जो 11 से 14 वर्ष की हैं उनके पोषाहार से संबंधित है। वित्त आयोग से इंपॉर्टेंट बात है कि एन के सिंह जो वित्त आयोग हमारा जो 15वां वित्त आयोग गठित किया गया, इनके हेड बने एन के सिंह, और इनका जो ये जो सिफारिशें देंगे अपने 2019 तक ये लागू होंगी 2020 से 2025 तक, गठन इसका हो गया है 2017 में। सदस्य इनके जो हैं वो हैं अनूप सिंह, शशिकांत दास, अशोक लाहिरी और रमेश चंद्र। इसके जो सचिव हैं उनका नाम है अरविंद मेहता। पहले जो अध्यक्ष थे इसके उनका नाम था केशी नियोगी, जो गठन हुआ था 1951 में, और इन्होंने जो सिफारिशें दी थी वो चली थी 1952 से लेकर 1957 तक। वहीं पर अगर क्रम से पूछ लिया जाए कि 12, 13, 14 में कौन, तो सी रंगराजन जो है वो 12वें हमारे अध्यक्ष थे, उसके बाद 13वें थे विजय केलकर, और 14वें जो थे वो थे वाई वी रेड्डी, और 15वें तो हमारे जो हैं एन के सिंह है ही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।